Welcome back, Breeders! कैसे हो आप लोग? I hope आप सब बढ़िया होंगे और आप सब की वजह से ये ड्रैवल भी हमेशा की तरह बढ़िया है, बढ़िया है। तो Breeders, आज अपने एल ड्रैगन की बैटल करने वाले हैं काफी यूनिक स्टाइल में अपने विदाउट लेयर वाले बेस से। ये बेस तो याद ही होंगे, अगर नहीं है तो आई सेक्शन में वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद उनकी वीडियो देख लेना तो सब क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो लगा दो ब्रो। गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से बैटल को करते हैं स्टार्ट। ये है हमारा साइक्लोन रैग्नारोक वाला विदाउट लेयर बे, ये है साइक्लोन बेलियल वाला, ये एस्ट्रल स्प्रिगन वाला, और ये अपना गिल्टी लॉन्गनेस वाला जिसके कर्मेट ड्राइवर का ये व्हील निकल गया, कोई नहीं, लगा देते हैं। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट, पहले करेंगे किसी से भी कर लेंगे अपना रैंडम बॉक्स कमाएगा इसमें, तो रैंडम बॉक्स के अंदर डाल देते फटाफट से, देखते पहले कौन सा आता है, पार्स करा जाए। तो पहला है भाई गिल्डी लॉन्गनेस वाला बे, तो फटाफट से करते हैं 3-2-1 लेट इट रिप। और गाइस, ये बहुत गलत हुआ भाई, एल ड्रैगो को फेंके इतनी तेज मारा कि दिखाई नहीं। एक बार और करेंगे 3-2-1 और इसका पहिया निकल गया फिर से 3-2-1 रिप। और दोनों ही ड्रैगन टाइप है भाई, और दोनों ही मेरे फेवरेट है अलग अलग जनरेशन के। तो सेकंड राउंड जीता अपना लाइटनिंग एल ड्रैगो, एक और करेंगे फाइनल राउंड जिससे पता चल जाए कौन है विनर। 3-2-1 रैम रिप, और 3-2-1 रैम रिप। और अब बिल्कुल बीच में सेंटर पकड़ लिया है हमारे लॉन्गनेस ने, और ये काफी इरिटेटिंग मोमेंट होता है ये वाला, और यहां पे स्लिप आउट से हारेगा। तो इस वाली बैटल को जीतता है हमारा लाइटनिंग एल ड्रैगो। लाइटनिंग एल ड्रैगो, क्या बोला तूने? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सेकंड पे पेश करा जाए तो सेकंड है साइक्लोन बेलियल वाला, देख लो गाइस। तो उसके लिए हमारे को लॉन्च शुरू करना पड़ेगा राइट स्पिन 3-2-1 लेट ग्रिप लेट ग्रिप। तो काफी एग्रेसिव स्टार्ट हुई है यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, काफी तगड़े अटैक कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पर। क्या लगता है गाइस, कमेंट करो कि विदाउट लेयर वाले बेस जीतेंगे या जीतेगा अपना लाइटनिंग एंड ड्रैगो। और यहां पे स्पिन स्टील के थ्रू जीत फर्स्ट राउंड स्कोर करता है हमारा लाइटनिंग एल ड्रैगो। तो फटाफट से करते हैं अनदर राउंड को स्टार्ट 2-1 लेट ग्रिप लेट ग्रिप। और यहां पे गाइस दोनों बड़े खतरनाक तरीके से नॉकआउट तो हुए, लेकिन हमारी ब्लिट्स जिसका एक टेंटिकल टूट गया। हे क्या भाई, मेटल के साथ तो इसको चिपका लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका बैलेंस खराब ना हो। तो ये वाला राउंड तो हो गया ड्रॉ, एक बार और करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड होता है हमारा फर्स्ट, इस वाली बैटल का फर्स्ट पॉइंट मिलता है लाइटनिंग एल ड्रैगो को। तो फटाफट से करते 3-2-1 लाइव ग्रिप। और भाई मेरे को ऐसे बोला टेंटिकल टूटने के बाद कुछ ज्यादा बढ़ गई, और ये वाला राउंड स्कोर करता है हमारा साइक्लोन बेलियल विदाउट लेयर वाला। तो इसका एक और राउंड करना पड़ेगा, तो फटाफट से करते हैं 3-2-1 लाइव ग्रिप लाइव ग्रिप। और भाई काफी
खतरनाक नॉकआउट था ये। तो ये वाली बैटल को जीतता है हमारा साइक्लोन बेलियल। अनदर बे पेश करा जाए तो इस बार आया साइक्लोन रैग्नारोक। तो 3-2-1 रिप। ओ भाई इसने भी इसको नॉकआउट कर दिया। क्या और है, एक और करेंगे। 3-2-1 भाई इनमें से आवाज कितनी मस्त आ रही है। और देखो जब भाई नॉर्मल बेस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मैश अटैक प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट लेयर वाले बेस, क्योंकि इसमें पूरा मेटल है। और गाइस ये वाली बैटल हुई है ड्रॉ। तो भाई इसको आगे कंटिन्यू करके फायदा नहीं, क्योंकि आखिरी में से स्पिन स्टील ही करेंगे। तो इसको छोड़ ही दो इस बैटल को। तो लाते अपने फाइनल प्ले को, पास करा जाए एस्ट्रल स्प्रिगन। तो फटाफट से करते हैं लैंड ग्रिप, लेकिन उसके लिए पहले इसको लेफ्ट स्पिन कर। 3-2-1 लैंड ग्रिप। तो भाई यहां पे क्या हो क्या रहा है, एल्ड्रेगो की ऐसी बिज्जती हो रही है। तो फटाफट से करते हैं अनदर राउंड स्टार्ट। तो 3-2-1 लैंड ग्रिप। और भाई ये मतलब क्या हुआ यार, ये मेरा दिमाग खराब हो गया लिटरली गाइस। एल्ड्रेगो को भाई उठा उठा के फेंका इन्होंने। इसमें से तीन बेस से एक तरह से हारा है, मतलब दो बेस से हारा है, उसके साथ टाई हुआ है, बस लॉन्गिनेस को हराया है। तो इसका भाई यही मानते हुए चलेंगे कि एक तरह से हमारा लाइटनिंग एल्ड्रेगो हमारे विदाउट लेयर वाले बेस से हार गया, क्योंकि भाई इसमें पूरा मेटल ही यूज हो रखा है। एक बार अब देखो गाइस इनकी तरफ, ये भाई एक्चुअल में कितने स्ट्रॉन्ग बे हैं यार, चारों पूरी तरफ मेटल से भरे हुए हैं ये। इनका जो आर्मर है ऊपर से वो इनको प्रोटेक्ट करता है, इधर से डिस्क, इधर से लेयर, भाई मतलब समझ जाओ यार ये एक्चुअल में, और हैवी भी काफी हैं ये। तो इनका जीतना तो लाजमी होता ही है, लेकिन एल्ड्रेगो ने काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया लेकिन हारा बहुत बुरी तरीके से। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मजा आया कुछ नए कंसेप्ट देखने में तो फटाफट से इस वीडियो को बोल ब्रो, फटाफट बोल। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भूलना समझे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। इंस्टाग्राम पेज फॉलो तो अपने कर दिए होगे अब तक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।